तो इसके पहले वाले पार्ट में मैं और डैश आए थे भाई छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन तभी आता है डैश और मुझे बोलता है कि मैकडॉनल्ड्स में एक नया शेक आया, हमको वो जाके ट्राई करना चाहिए। और फिर मैकडॉनल्ड्स जाने के बाद हम लोग वो शेक पीते हैं और एकदम से यार पूरा एरिया बदल जाता है। और तभी आता है एक राक्षस जिसका नाम होता है ग्रीमेंस। तो फिर हम जैसे तैसे वहां से भागते हैं और घर में आके टीवी जैसे ही खोलते हैं तो हमको पता चलता है कि ग्रीमेंस हमारे पीछे पड़ चुका है। तो फिर मेयर हमको अपने एक बेस पे लेके आता है और वहां पे हम लोग बनाते हैं अपना बेस, लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। और फिर जो ये पूरे ग्रीमेंस है वो हमारे बेस के अंदर तक घुस जाते हैं तो हमको यहाँ से भागना पड़ता है। और उसके बाद कोई तो आके वहां पे न्यूक्लियर फोड़ देता है और पूरा विलेज को तबाह कर देता है। और अब उसके आगे और एक मिनट डैश, ये तो भाई एक मिनट भाई, विलेज किधर गया, इधर आ जल्दी। अरे भाई इधर मेयर की साइन है, मेयर होगा कहाँ पर विलेज भाई, मेयर की साइन भी बन चुकी है और भाई इधर तो पूरा बर्बादी चालू हो गई। और भाई इधर आया कौन, और एक मिनट राहुल किधर है, राहुल एक मिनट, राहुल गायब तो नहीं हो गया, राहुल कहाँ पर, ढूंढो उसको भाई। राहुल अभी तो हमारे साथ में था, राहुल मुझे दिख नहीं रहा है कहीं। और भाई ये क्या हो गया, ये तो पूरा विलेज ही खत्म हो गया और यहाँ पे एक भी ग्रीमेंस नहीं है। खत्म भाई ग्रीमेंस, क्या बात है, अरे ऊपर देख क्या हुआ। और एक मिनट भाई मेयर आ गया है, अरे यार डैश जल्दी ऊपर चल, इससे बात करते हैं यार, अच्छा वो आखिर का रात हो गया। लेकिन राहुल किधर गया यार मुझे नहीं पता है, शायद राहुल कहां गया वो सही में नहीं पता मुझे, लेकिन मेयर आ चुका तो राहुल गायब हो गया तो लॉजिक है। तो यार जल्दी से मैं चलते चलते यहाँ पे जाता हूँ। और मेयर यार ये सब तूने किया है क्या यार, मेयर कुछ बता क्यों नहीं रहा है भाई, मेयर बता यार और राहुल कहां, वो भी बता यार। ये तो बोल रहा है इसको कुछ नहीं पता और बॉम्ब इसने फोड़ दिया है, चलो यार कुछ तो काम आ गया मेयर कम से कम, पिछले बार इसने कुछ नहीं दिया था। और एक मिनट ये क्या इसके हाथ में, अरे भाई शंख बजा रहा है ये तो, क्या हो गया इसको। लेकिन यार मेयर एक बात बता यार, अभी जो पूरे ग्रीमेंट्स है वो सब तो खत्म हो गए होंगे ना भाई, ये तो नहीं बोल रहा है यार, तो तो। अरे हाँ यार डैश तुझे याद है ना भाई, वो वाले मेन वाले जो ग्रीमेंस थे वो तो अभी तक आए ही नहीं, ये तो क्रीपर वाले टाइप के थे, बहुत अजीबो गरीब वो भी। तो यार मेन वाले जो ग्रीमेंस है वो सब तो बाकी होंगे। तो यार मेयर एक बात बता यार, तेरे पास अभी कोई अच्छे अच्छे आइटम्स है क्या जो तू हमको दे सकता है, क्योंकि यार हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और हमारी जो गाड़ी थी वो भी ब्लास्ट हो चुकी है और राहुल भी हमको मिल नहीं रहा है। तो यार हम लोग अभी क्या कर सकते हैं यार, मेयर बोल रहा है अभी रात हो चुकी है और मेयर तुझे अपने घर में बुला रहा है, वो टीवी में कुछ दिखाना चाहता तुझे। अरे हाँ यार यही बोला इसने, तो हम दोनों चलते हैं यार इसके घर पे और टीवी भी देखते हैं। और भाई चल निकाल यार तेरी कार, कार कहाँ पर है यार भाई, नहीं है यार ये गरीब हो चुका है भाई, भाई, भाई पैदल चलना पड़ेगा हमको यार, मेयर भी अब पूरा गरीब हो चुका है यार, हमारे पास भी जो कार थी वो भी नहीं बता वही तो, और एक कार थी हमारे पास जिसको हमने किराए पे खरीदा था वो तक बिक चुकी है यार, मारो इसको यार, जान दो टाइम पास मत कर भाई, मेयर जल्दी तेरे घर पे चलते हैं, आजा यार। अभी बहुत देर से हम लोग मेयर के पीछे भाग रहे हैं और एक मिनट सामने में वो क्या है, ये कौन सी जगह, एक मिनट वहाँ पर देखिए कैसल है यार, मैं भी तो इसी की बात कर रहा हूँ यार, इसने तो घर बोला था लेकिन ये तो हमको कैसल पे लेके आया, वो भी पहाड़ के ऊपर। और मैं भी तो वही सोच रहा हूँ भाई, ये क्या है नीचे में भाई, पेड़ उल्टा पैदा हुआ है शायद यहाँ पे तो। अरे क्या कर रहा फ्लिक, जादू जगह ही है। अरे यार मैं फालतू में नीचे गिर गया हूँ, वापस से ऊपर जाना होगा। अरे डैश मुझे ऊपर तो बुला यार, कैसे खींच। तो चलो यार वो गड्ढे से तो मैं आगे आ गया हूँ। और एक मिनट यार ये जगह कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रही है मुझे यार, ये मेयर ना हमको कहीं पे भी लेके जा सकता है, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और एक मिनट ये वापस से शंख क्यों बजा रहा है, बार बार शंख क्यों बजा रहा है वही तो, और मेयर कहाँ पर है। अरे भाई मेयर तो तेरे सामने, क्या पागल जैसी बातें कर रहा है तू, लगता है यार डैश का दिमाग खराब हो गया है ग्रीमेंस के डर से। यार फालतू की बातें छोड़, अब जल्दी से अंदर आ और देखते हैं भाई अंदर क्या है। यार राहुल कहाँ पर है फिर, मेयर यहाँ पर है। अरे मुझे क्या पता भाई राहुल कहाँ है यार, कहीं पे भी होगा। वैसे थोड़ी देर में यार शायद मेयर जो है ना वो जाने वाला है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि इसने मुझे पहले बोला था। और एक मिनट भाई चेस्ट में से कुछ निकाला है इसने और ये ऊपर जा रहा है, चल यार जल्दी ऊपर यार। तो चलो हम लोग ऊपर आ गए। और मेयर भाई तू क्या टाइम पास कर रहा है। और एक मिनट ये बकरी किसकी है, इसको मारना मत वरना ये फॉर्म में आ जाएगा भाई, तुझे भी मारेगा ये। एक काम कर भाई मेयर, सबसे पहले तू मुझे ये बता कि ग्रीमेंस आने कब वाला है। और एक मिनट अभी इसने आर्मर फेंक दिया भाई, आर्मर क्या बात है, उठाओ उठाओ। अरे हाँ यार तेरा आर्मर मैंने गलती से उठा लिया, ये ले तू वापस पकड़, तू पहन ले। और एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं भी पहन लेता हूँ यार, क्या पता अभी आ जाए ग्रीमेंस, तो यार बचने के लिए कुछ तो सही रहेगा। और मेयर एक बात बता यार, यहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं क्या। अरे क्या बात है यार, ये बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और एक मिनट भाई ये क्या बोल दिया इसने, सुना यार क्या खतरनाक बात बोला यार, मेयर बोल रहा है हमें यहाँ पर आज रेस्ट करना है क्योंकि वो लोग कल आने वाले हैं और मेयर जा रहा है राहुल को ढूंढने के लिए। हाँ तो यार ये प्लान सही है, हम लोग रुक के यहाँ पे पूरा डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और ये जाएगा राहुल को ढूंढने के लिए। और एक मिनट चला गया, ये क्या हुआ भाई, ये कैसा पागल आदमी है, सीधा ऊपर से कूद गया। और एक मिनट, अरे भाई अरे ये क्या यार, क्लच करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इससे हुआ नहीं, खैर जाने दो, हुआ नहीं था भाई, फ्लॉप हुआ। तो यार इसको जाने दो, और डैश हम लोग एक काम करते हैं, अभी के लिए जाके सो जाते हैं और कल सुबह हम लोग यहाँ पे पूरा सिस्टम बनाएंगे। वही तो यार, तो यार अभी मुझे तो नहीं पता है कि हमको कहाँ सोना चाहिए, लेकिन यार सबसे पहले हम लोग नीचे चलते हैं। और एक मिनट यार मुझे समझ नहीं रहा है कि हम लोग पहाड़ पे बेस कैसे बनाएंगे, लेकिन जाने दो यार, कल सुबह सोचा जाएगा इसके बारे में। और चांद वांद भी भाई दिख नहीं रहा है आज, तो चल यार जल्दी से नीचे चलते हैं। तो चलो यार मैं नीचे पहुंच चुका हूँ और तू देख ले भाई तुझे कहाँ जाना है। और एक मिनट यहाँ पे टीवी है भाई, एक काम कर यार टीवी में देखते हैं कोई न्यूज, क्योंकि पिछले बार हमको यहीं से पता चला था कि पूरे ग्रीमेंस है किधर। वही तो यार, न्यूज में अच्छे से मालूम चलता है। तो यार टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं, जल्दी खोल टीवी ऑन। आज की सनसनी खबर जिसमें देखा जा रहा है कि ग्रीमेंस की आर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि डैश और फ्लिक नाम के बंदों को ढूंढ रही है। डैश या फ्लिक, अगर आप लोग ये न्यूज देख रहे हो तो बी सेफ एंड बी अलर्ट,
क्योंकि वो कल ही आने वाले है। यार मैं अभी टीवी बंद करता हूँ और एक मिनट डैश, अभी वो तो कल ही आने वाले हैं। यार भाई ऐसे कैसे हो सकता है, और इस बार की आर्मी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी दिख रही है मुझे यार, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हमको जाके जल्दी सोना चाहिए, और थोड़े बहुत लेजर मुझे दिया था भाई मेयर ने, तो हमको सबसे पहले लेजर लगाना होगा कल सुबह उठते बराबर ही। तो जल्दी एक काम कर, नीचे आ जा भाई, कहीं सोने का रास्ता होगा उधर सो जाते हैं। और एक मिनट इनसाइड बेड में सो रहा हूँ भाई। यार यहाँ पे क्या है, मुझे एक बेड भी नहीं मिल रहा इसके इतना बड़ा बंगले में, यार कुछ समझ नहीं रहा। अच्छा इधर में भाई बेड है, रुक जा मैं इधर सो रहा हूँ, तू यार अपने लिए कोई रूम ढूंढ ले जल्दी से। मिल चुका है मुझे। तो यार यहाँ पे मैं सो के उठ चुका हूँ, और जल्दी से अब चलते हैं बाहर, और मैंने लेजर्स भी पूरे उठा लिया, और देखते हैं डैश किधर है। तो यार जल्दी से आगे चलते हैं, और मैं भाई भटक चुका हूँ इसके घर में, एक काम करता हूँ इसको जगह खोलता हूँ, सीधे यहीं से चले आते हैं हम लोग। और डैश किधर है तू यार, जल्दी मेरे सामने आ। इधर हूँ यार इधर। अरे कहाँ से भाई, मैं तुझे इतनी देर से बोल के रखा हूँ कि जल्दी से इधर आ। और ये पकड़ यार थोड़े बहुत लेजर है, और इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एकदम भाई, ऊपर नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार इस बार हम लोग सीधा अपना डिफेंस सिस्टम पहाड़ के ऊपर बना रहे हैं। यार बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से इसको यहाँ पे मैं लगाना चालू करता हूँ, और देखते हैं यार यहाँ पे कैसे लगेगा। यार ऐसा लगाना भाई इजी नहीं है एकदम। अरे कैसा पहाड़ है भाई, मेयर ने हाथों से बनाया अपने। यार मुझे खुद नहीं समझ रहा है कैसा पहाड़ है, और तू कैसे लगा रहा है यार उधर, और ये क्या कर रहा है यार डैश तू भाई, इतना सारा वेस्ट मत कर। अरे वेस्ट गरीब कह के मुंह देखो इसका, गरीब पूरा। मेरे पास पहले 3 स्टैक थे। यार तेरे पास 3 कहां से आ गए पहले से? यार तू गरीब ही रहेगा हमेशा। यार तू सबसे पहले इसको लगा एकदम अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं ये वाले साइड में लगाता हूँ। यार बहुत अजीबो गरीब टाइप से हमको इसको बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे काम चालू कर देता हूँ। एक को यहाँ लगाता हूँ, और फिर उसके बाद हमको ऐसे एक एक के ऊपर लगाना पड़ेगा। और एक मिनट, इस बार व्हाइट कलर की लेजर निकल रही है भाई, ये क्या हो गया? यार दूध से बना हुआ लेजर है। यार मुझे नहीं पता ये क्या है, तो चलो कोई बात नहीं यार, हमको इसी तरीके से यहाँ पे पूरा लगा देना चाहिए। और भाई लाल कलर का आता था, इस बार व्हाइट लेजर निकल रहा है, मतलब ये कुछ ज्यादा पावरफुल होने वाला है उससे भी ज्यादा। तो चलो इसको मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे लगाता हूँ, और ऐसे हमको सबसे पहले पूरा लेजर लगाना है। तो यार 2 घंटे की मेहनत कर करके हमने यहाँ पे ये कर दिया, और एक मिनट भाई इसने गाय भी पकड़ लिया है, पता नहीं क्या कर रहा है डैश गाय के साथ। और ये देखो यार आखिरकार हमने पूरा लेजर लगा दिया है। और डैश भाई क्या काम किया यार तूने, तूने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, पहली बार मुझे लग रहा है कि तू कभी हमारे काम आया। तो जल्दी से एक काम करता हूँ, ये साइड में भी देख लेता हूँ, ये वाला साइड का काम पूरा डैश का था, इसलिए इसने आधा काम छोड़ दिया यहाँ पे। वैसे भी उतना काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ से कोई ग्रीमेंस चढ़ ही नहीं पाएंगे भाई, बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ का। तो जल्दी से मैं जाता हूँ सामने। लेकिन तू एक बात बता यार, तू कुछ बोल रहा था ना कि तू कहीं जाने वाला है कुछ चीजें लाने के लिए। यार वो हर बार की तरह जाना पड़ता है ना हथियार लेने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ इस बार। यार ये तो ठीक है, वैसे शायद मेयर लाई लेता हथियार, लेकिन यार तू यार उसके पास चले जाना, वो जो हमारा एक दोस्त था ना बहुत पुराना वाला, उससे लेके आ जाएगा, सस्ते में दे देगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास जाता हूँ, और अभी राहुल आएगा क्योंकि मेयर जा चुका है, चल मैं जा रहा हूँ। हाँ तू जा यार, अभी शायद राहुल भी आता होगा, क्योंकि मेयर का मुझे कॉल आया था भाई, राहुल मिल चुका है उसको। तो चलो यार देखते हैं राहुल से बात करके, लेकिन उससे पहले मैं जाके देखता हूँ इसके घर में कुछ और भी चीजें हैं क्या यार, जिससे मैं यहाँ पे कुछ चीजें बना पाऊँ। यार जल्दी से वैसे ही वाले महल में चलते हैं हम लोग फालतू में यार। और एक मिनट, यहाँ पे तो थ्रोन भी है भाई, ये तो खुद को राजा भी समझता है यार, जाने दो। और ये कैसा एरिया है, रुको नीचे चलते हैं भाई। एक मिनट, इतने सारे चेस्ट, यार यहाँ कुछ तो माल होना चाहिए, जल्दी से देखता हूँ मैं। यार सबसे पहले यहाँ के चेस्ट खोल के देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है क्या। नहीं यार यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और एक मिनट, ये क्या है, यहाँ पे बुक रखा है, रुको यार बुक में देखते हैं क्या है। और एक मिनट, ये क्या है, मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे और इस जगह को बचा लेना, क्योंकि ये मेरी जिंदगी भर की कमाई रखी है। यार एक मिनट, ये क्या बोल रहा है। और एक मिनट भाई, ये क्या है भाई, सारे चेस्ट ऐसे। यार इतना ज्यादा अमीर, ये तो था इतना अमीर, लेकिन यार हमको शायद ये जगह बचानी पड़ेगी अब। यार ये जगह जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेयर के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि यार अगर मेयर को कुछ हो गया ना और उसके जायदाद को, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास कुछ है क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत माइंस मिले थे, तो किसी चेस्ट में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे माइंस पड़े हो। तो रुक जाए यार, मैं देखता हूँ किसी चेस्ट में, क्या पता माइंस मिल जाए हमको, थोड़े और मिल जाएंगे तो सही रहेगा। यार जल्दी से खोलता हूँ इसको अब। और एक मिनट, यहाँ पे है भाई इतने सारे माइन, तो रुक जाओ इसको मैं जल्दी से उठाता हूँ पूरे माइंस। अरे बाहर हो यार भाई, तुम लोग कहाँ पे यार, फ्लिक और डैश। एक मिनट भाई, ये आ गया, बाहर आओ यार बाहर आओ। यहाँ से मैं ऊपर कैसे जाऊँ, रुक जाओ ऊपर जाता हूँ मैं इधर से। अरे भाई एक मिनट यार, ये क्या सही वाला है यार भाई, मेयर का कैसल। यार जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ और देखते हैं राहुल किधर है। और भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा हूँ मैं यार, अजीब सी जगह यार पूरी, रुक जाओ यहाँ पहुँच गया मैं। और यार भाई तुम लोग हो कहाँ पे? अरे मैं इधर हूँ यार, क्या बात कर रहा है तू। और यार तू था किधर? अरे भाई मैं ना कोई एक गाँव में था यार, वो जो है ना लास्ट टाइम मैं अपना न्यूक्लियर फूट गया था। और लास्ट टाइम भाई जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो वहाँ पे फट गया था ना यार, मैं उसके बहुत ज्यादा पास में था यार, तो उसके कारण ना भाई यहाँ पे ना मेरे हाथ में टूट गए थे यार, तो इससे ना मैं गाँव में था, और भाई उन लोगों के कारण मैं अभी यहाँ पे हूँ। और फिर ना उसके बाद वहाँ पे आया था मेयर, और उसने भाई अभी मुझे बताया कि यहाँ पे आने वाले बहुत सारे ग्रीमेंट्स, ये हमारी आखिरी वॉर होने वाली है तुझे पता है। और ये देख, मैंने और डैश ने मिलके यार यहाँ पे एक व्हाइट कलर के लेजर लगा दिए, ये पिछले वाले से भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और यहाँ पे आज रात को रेड होने वाला है, और डैश गया कुछ सामान लाने के लिए, तो यार तेरे पास भी कुछ सामान है तो यार इधर लगा दे, नहीं तो यार ये पकड़ माइन और जल्दी काम करना चालू कर यार, हमारा ज्यादा टाइम नहीं बचा है। माइन को पूरा यहाँ पे रैंडम लगा दे यार, ये पूरे पहाड़ पे, इस बार पहाड़ पे पूरा हमारा बेस है, तो कहीं पे भी तू इसको लगा सकता है यार। जल्दी जल्दी से मैं लगा रहा हूँ, और तू भी लगाना यहाँ पे चालू कर। और वैसे मेयर किधर गया अब? यार भाई वो कुछ तो लेके आने वाला है शायद अभी। यार ठीक है, मेयर भी गया है कहीं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो TNT लेके आ जाए, क्योंकि यार मेयर ने मुझे पहले ही बताया था वो TNT भी लाने गया है राहुल को ढूंढने के बहाने से। तो चलो जल्दी से मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे
पे हर जगह लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कमी नहीं है माइन की, और जल्दी से यहाँ पे लगाता हूँ। और उसके बाद हम लोग एक चीज और लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि यार मेरे पास बहुत पहले से ना एक बहुत गजब की चीज पड़ी थी, जिसको अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा ना तो आधे ग्रीमेंस जो है ना वो तो इधर ही मर जाएंगे, और ये वाली वॉर हमारी आखिरी होने वाली है। इसलिए यार मुझे यहाँ पे एकदम अच्छे से हर चीज को सेट करना पड़ेगा। तो यार अभी मैं यहाँ पे चौथा स्टैक भी लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे पूरा पहाड़ मैंने माइन से भर दिया है। और मुझे लग रहा है कि जो पूरे ग्रीमेंस है ना वो हमको ये वाले साइड से ही अटैक करने वाले हैं, या तो ये वाले साइड से, और वैसे भी वो लोग वो साइड से आ नहीं सकते क्योंकि यार यहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई है, और यहाँ पे वैसे एक विलेज और पड़ा है। और अगर यहाँ पे हमको कभी किसी का मदद चाहिए ना तो हम लोग विलेजर से मदद भी ले सकते हैं। तो ये लोग यहाँ पे आराम से पड़े हुए हैं, और यार मुझे यहाँ साइड में थोड़ा और लगा देना चाहिए पूरे माइन सब। मैं जल्दी से चलता हूँ ऊपर की तरफ, और ऊपर जाके मैं जो हमारा कैसल है ना इसके अंदर भी एक दो चीजें लगाने वाला हूँ डिफेंस की, जो कि यार हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इसको यहाँ पे भी लगा देता हूँ क्योंकि यार इससे ना कोई इंसान नहीं फूटने वाला है। तो हमारे मैंने अभी यहाँ पे एक न्यू आइटम लेके आ चुका हूँ, देख भाई क्या लाया तूने। तो चलो यार जल्दी से राहुल के पास चलते हैं, चलो आखिर यार इसने कुछ अच्छी चीज लाया तो है। और यहाँ पे मेरी हेल्थ कम हो रही है, वैसे तूने लाया क्या है? और देख भाई ये बहुत ही सही चीज है यार, भाई डायनामाइट। अरे ये तूने काम किया ना। और एक मिनट भाई, मेयर की बकरी वापस आ गई है। अरे यार इनको मारना मत यार, नहीं तो मेयर गुस्सा हो जाएगा। और एक मिनट इसको मैं यूज करके देखता हूँ। वैसे भाई यार ये किस पे यूज करूँ, जाने तो कोई है तो नहीं इधर, डायरेक्ट यहाँ पे फेंक देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कितना बड़ा डैमेज पड़ता है। और यार ठीक भी है यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज तो कर ही दे रहा है ये, कुछ ग्रीमेंट्स को डैमेज तो भी पड़ जाएगा, तो चलो सही है। और मेरे पास थोड़े बहुत माइंस और बाकी है, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे लगाता हूँ, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम लगाएंगे यार यहाँ पे। तो चलो यार यहाँ पे हमारा पूरा काम हो चुका है, और यहाँ पे मैंने पूरा भर दिया है भाई। वो देखो यहाँ पे आएंगे तो पगले लोगों को यार पता भी नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे इधर। और राहुल यार तेरे पास कुछ काम था मैं क्या, और इधर हमको और क्या करना चाहिए? और देख हम ना यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं यार, लेकिन देख अगर यहाँ पे अगर पूरे ग्रीमेंस आ गए यार तो तब हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे? मुझे क्या पता, कोई भागने का रास्ता तो वैसे होना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास कुछ पैसा वैसा नहीं है ना, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते अभी। अरे यार भाई मेरे पास है ना यार। यार कहाँ से पैसा तूने कहाँ से ला लिया? और यार देख वहाँ पे ना जहाँ पे मैं रुका हुआ था जिन गांव वालों के पास, या ना मैंने उन लोगों के साथ ही स्कैम कर दिया। और यार वैसे तो ये करने में भाई मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था यार, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। या तो देख मैं ना उनके पास से बहुत कुछ लेके आया हूँ, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे लेके आता कुछ प्लेन या और कुछ, और फिर हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अरे यार तू बहुत ज्यादा सही बात कर रहा है, वो जो हमारा पुराना एक दोस्त था ना उसी के पास मैंने भेजा है डैश को, तो तू भी चले जा रहे उससे हेलीकॉप्टर खरीद के ला ले। यार तूने काम तो गलत किया उन विलेजर के साथ भाई, तेरी जान बचाए थे उन लोगों ने, तूने उनको चोरी कर लिया। जानते कोई बात नहीं, तो एक काम कर तू जा यार जल्दी वहाँ पे, तुझे डैश भी मिलेगा, और तुम दोनों साथ में आ जाना, तब तक मैं यहाँ पे कुछ सोचता हूँ यार बनाने का अच्छी चीज है। या तो मैं काम करता हूँ ना, आप साथ में कुछ और हथियार भी लेके आता हूँ। हाँ हाँ भाई जितना पैसा पूरा लगा देना, इस बार कैसे भी जिंदा बचना है हमको। तो चलो यार जल्दी से मैं अंदर चलता हूँ, और रात होने वाली है, तो यार जब तक ये लोग सामान वामान लेके नहीं आएंगे तब तक हम लोग फाइट भी नहीं कर पाएंगे इन ग्रीमेंस लोगों से। और जल्दी से जाके देखते हैं एक बार टीवी में क्या चालू है। तो ये है यार हमारा वाला रूम, तो जल्दी से मैं टीवी ऑन करता हूँ। ग्रीमेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और शायद से उन्होंने फ्लिक और डैश को ढूंढ भी लिया है, तो वो लोग पहुंचते ही होंगे। अरे ये क्या देख लिया मैंने, और यार ये लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, और ये वाला जो तुमको विलेज टीवी में दिखा था ना ये बस थोड़ी देर ही दूर है भाई, दो विलेज छोड़ के हमारा वाला एरिया आने वाला है। तो यार अब जल्दी से मुझे कुछ करना पड़ेगा, और देखो यार शाम भी हो ही चुकी है, तो चलो जल्दी से मैं एक चीज निकालता हूँ अपनी। यार अभी मैंने पूरे काम की सामान ला लिया है, और ये देखो यार मेरे पास ब्लैक वाला जो कॉन्क्रीट है ये भी है, और इसे मैं बनाने वाला हूँ पीछे में रनवे भाई पीछे साइड में, और राहुल जो लेके आएगा शायद हेलीकॉप्टर या प्लेन कुछ भी ला सकता है, लेकिन उसके लिए मैं रनवे बनाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ मैंने ये वाले अजीब से फेंस लाया है, जिसके अंदर से यार इलेक्ट्रिसिटी भागती है यार, इसको किसी ने टच कर लिया ना तो वैसे ही मर जाएगा, और ग्रीमेंस को तो पता भी नहीं रहेगा यार कि ये है क्या, तो वो लोग पक्के से इसको छुएंगे और आधे तो इसी से मर जाएंगे। और मैंने थोड़े बहुत क्लेमोर्स भी लाया जो कि मेरे पास पहले से पड़े थे, तो एक काम करता हूं अब जल्दी से चलते हैं यार आगे की तरफ, और आगे में जाके मैं सारी चीजें बना देता हूं यहां पे। और मेरे पास यहां पे 32 क्लेमोर है, और यहां पे थोड़े बहुत फेंस भी है, तो इसको मैं सोच रहा हूं यहां पे ऐसा रैंडम लगा देता हूं एकदम, और इसको कोई भी टच करेगा ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा वो, क्योंकि यार एकदम सही बात है। और एक काम करता हूं सबसे पहले ना इसको एकदम नीचे में लगाते हैं, क्योंकि यार वो लोग इधर से आने वाले हैं, ऊपर में तो वैसे भी हमारे माइंस पूरा काम कर देंगे अच्छे से, और यहाँ पे पहली बात तो चढ़ ही नहीं पाएंगे यार। और जितने में ये लोग पहाड़ को चढ़ते आएंगे ना उतने में तो यार मैं इन सबको बंदूकों से ही मार दूंगा यार, क्योंकि हम तीन लोग बंदूक चलाने वाले हैं ऊपर में, जो कि यार बहुत ज्यादा सही बात है। तो इसको मैं हर जगह लगा देता हूँ, चलो यार इतना भी के लिए काफी होगा। और फिर यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ लगा देता हूँ क्लेमोर्स, और एक मिनट यार जल्दी से मैंने उल्टा लगा दिया इसको, मुझे इसको इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, क्योंकि यार ये जो इसकी लेजर है ना सामने साइड में, जब तक कोई इसको टच नहीं करेगा तब तक ये फूटने नहीं वाला, इसलिए मुझे इसको इधर देख के लगाना पड़ेगा। तो चलो यार एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे साइड में ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि यार ये तो जगह भाई चढ़ना इम्पॉसिबल है यहाँ से, तो जल्दी से ऊपर चलता हूँ, हम लोग लगाते हैं इसको ऊपर की तरफ। ये देखो यार मैंने इसको हर जगह लगा दिया है, पूरे ये कॉर्नर में भी लगा दिया हूँ, क्योंकि वो लोग ये साइड से आ सकते हैं, यहाँ पे चढ़ना थोड़ा ईजी है। तो चलो अब जल्दी से ऊपर चलता हूँ, और पीछे के एरिया में ना मैं सोच रहा हूँ जाके जल्दी से अब बना दूँ हम रनवे प्लेन के लिए। तो यार मैं सोच रहा हूँ ये वाली जगह पूरी सही रहेगी, हम लोग एकदम वहां साइड में बनाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि थोड़ा प्लेन बनना चाहिए। तो एक काम करता हूँ अभी जल्दी से मैं रनवे बना
बनाता हूँ, उसके बाद मैं दोनों को कॉल करता हूँ। यार ये लोग पहुंचे किधर? और यार मेरी हेल्थ कम हो रही है ऐसी, तो जल्दी मुझे खाना पड़ेगा। और एक मिनट भाई, रात होने वाली है क्योंकि देखो यार तारे भी आ चुके हैं, तो जल्दी से यहाँ पे काम खत्म करता हूँ मैं और फिर बुलाता हूँ इन दोनों को। ये देखो यार मैंने रनवे बना दिया और एक मिनट रात भी हो चुकी है, और यार ऊपर जाके देखता हूँ कि ये दोनों पहुंच गए क्या, क्योंकि मैंने इनको कॉल तो किया था, शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग ऊपर में पहुंच गए होंगे। और फ्लिक तू है कहाँ पे? अरे भाई बाहर यार, भाई यहाँ पे तो पूरे आ गए ग्रीमेंस। यार देख मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ बहुत सारे प्लेन्स। अरे यार कौन मार रहा है? रुक जाओ यार, इसको पहले मार के खत्म करता हूँ जल्दी से। और भाई कितने सारे लोग हैं, रुक जाओ, इनको सबको मैंने मार दिया है। और एक मिनट, तूने इतने जल्दी तीन तीन प्लेन कहाँ से ला दिया? अभी तो कोई नहीं था इधर। अरे यार भाई मैंने बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर उसके बाद मैं लेके आया बहुत सारे प्लेन। यार तू अभी फालतू बातें मत कर और चल यार भाई, अभी ग्रीमेंस सिर्फ 100 मीटर दूर है। चल यार जल्दी से ऊपर भाग यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है शायद, और डैश भी शायद आ चुका है ऊपर में क्योंकि मैंने उसको कॉल करके बुलाया था। और जल्दी यार और देखते हैं डैश ने क्या क्या सामान लाया, क्योंकि मैंने उसको भेजा था भाई बहुत अच्छा सा आर्मर लाने के लिए और बंदूक लाने के लिए। चल चल यार, तो मैं ऊपर आ चुका हूँ और एक मिनट यहाँ पे ग्रीमेंस आ चुके हैं भाई, ये लोग हमला भी कर रहे हैं हमारे ऊपर। और भाई एक मिनट, ये तो वहां से स्पॉन हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो हवा में से कैसे स्पॉन हो सकते हैं यार? जाने दो, एक काम करता हूँ जल्दी से अंदर चलता हूँ। राहुल जल्दी आ। और एक मिनट, ये ग्रीमेंस अंदर आ गया, रुको इसको मैं मारता हूँ। अबे मुझे बचाने आओ भाई, ग्रीमेंस तो अंदर भी आ गए। अरे ये दो तो यहाँ पर भी है, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी आओ। और यार लगता है कि यार ये ना अभी हम लोग के बेस के पूरे चारों साइड में घुस चुके हैं। वही तो यार, और एकदम से इन लोगों ने सुबह कैसे कर दिया यार, अभी तो रात हो रही थी। अंदर जल्दी बचना है तो काम करो, जल्दी अंदर आओ। ब्लैक मैजिक कर रहे अभी भाई, पहले अंदर आओ भाई। डिफेंस सिस्टम तो हमारा कुछ काम नहीं है। और डैश तूने लाया गया भाई, जल्दी खाने के लिए दे कुछ मुझे भाई। पहले ये ले तू, ये आर्मर दे, और कुछ बंदूक बंदूक है तो वो भी दे दे यार, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और एक मिनट, अबे ग्रीमेंस अंदर से कहां से आया भाई? मैं गोल्डन एप्पल खा के बचा। अरे यार भाई यहां पे बहुत है यार, हट जा जल्दी, बेसमेंट में तो 20-30 है। अबे भाई अंदर से कहां से आ रहे हैं भाई? एक मिनट, चार चार आ गए और ये लोग तो मरने का नाम नहीं ले रहे वैसे। अरे जल्दी काम करो, पहले एक बार यहां पे तो देखो यार बेसमेंट पे भाई, सब अंदर घुस गए। जाना पड़ेगा फ्लिक, इनको पार करना है ऊपर वाले फ्लोर पर। सबसे पहले इनको मारते और सच में यार ऊपर जाना पड़ेगा। चल इनके अंदर घुस रहा हूँ मैं। जा सकते हो? जाओ भाई, जगह ही नहीं है यार। और मुझे एमोस दो कोई जल्दी से भाई, मैं नीचे आ गया कहीं से। और एक मिनट, अभी इन लोगों ने खजाने पे पूरा हमला कर दिया है। अबे अरे यार भाई लूट लिया यार इन लोगों ने सब। भाई मुझे बचाओ, कोई मारो इन लोगों को भाई। क्या मारो यार भाई, मैं यहाँ पे भाई, अब तो बच नहीं पाएगा भाई। गया मैं, मारो मैं इनको यार यहाँ पे ग्रेनेड से। यार जल्दी जल्दी फोड़, और मैं गोल्डन एप्पल खा रहा हूँ भाई बिना रुके। भाई हमारे पर बहुत ज्यादा बेकार हमला हो चुका है भाई। ये क्या हुआ? पूरा गोल्ड भाई, हमारा डायमंड, पूरा डायमंड गया यार भाई। मेयर हमको मार डालेगा, पूरी उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, मैं भाग रहा हूँ। और एक मिनट भाई, कैसल फूट चुका है, जल्दी भागो यार। पहला वाला रेड इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है भाई? पहला रेड नहीं है ये, एक ही रेड है। तुमको गलत मारा यार मैंने भाई। ये सब खत्म हो गए हैं, लेकिन बाहर अभी बहुत ज्यादा बाकी है, तो अभी हम लोग क्या करें यार? जल्दी सबसे पहले ऊपर चलते, आ जा यार। लेकिन मेयर का कैसल तो पूरा खत्म हो चुका है भाई, हटा कैसल को। मेयर मारेगा यार मेयर हमको अभी। अरे मेयर ने मुझे फोड़ नहीं खाता कैसल को यार। और एक मिनट यार, यहाँ की हालत क्या हो चुकी है? और कहीं से तो मिसाइल भी गिर रही है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? पूरा सब बर्बाद हो चुका है। और एक मिनट, हमारे पूरे लेजर भी खत्म हो चुके हैं। और एक मिनट, अरे भाई क्या क्या भाई, ये कैसे ब्लास्ट है? फोड़ दिए, ब्लास्ट हो चुका है। भागो यार, गैस मास्क पहनो यार। मुझे भाई इन लोगों ने उल्टी कर दिए। तीन एक बहुत खतरनाक चीज है मेरे पास। क्या यार? एक बॉम्ब मुझे मिला था जो मेयर ने दिया था यार, वो बॉम्ब मुझे यूज करना ही पड़ेगा। अरे तो जल्दी यूज कर भाई, सब खत्म होने के बाद पूरा ओक दिया यार। यार तुम लोगों को भागना पड़ेगा, पूरे ग्रीमेंस नशे में आ चुके क्योंकि। अरे मैं खुद नशे में आ चुका हूँ, गोल्डन एप्पल खाता हूँ यार। जल्दी भागो यार, प्लेन है, भागो। बहुत खतरनाक बॉम्ब इन लोगों ने तो यहाँ पे रनवे भी तोड़ दिए। अरे रनवे तोड़ दिए, भागो यार पहले यहाँ से। भागो भाई, टीएनटी जला दिया क्या तूने? और क्या, भाग जाओ भाई, ब्लास्ट हो गया शायद। और एक मिनट, अभी ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? अभी कुछ तो उड़ के गया, जल्दी भागो यहाँ से भाई, बहुत डेंजर हो चुका है भाई। इसके रेडिएशन से ना पूरे ग्रीमेंस मरने वाले। और ये देखो ये लोग पॉज हो गए यहाँ पे यार, ये लोग मरने वाले। बैठो यार, रुक जा, मैं तेरे पीछे बैठ रहा हूँ। जल्दी प्लेन उड़ा। और एक मिनट, ब्लास्ट हो गया। और राहुल तूने क्या सड़ा सा प्लेन ला लिया है भाई? ये तो कचरा है भाई, तेरे पूरे पैसे बर्बाद कर दिया तूने। और भाई वही तो यार, यहाँ पे तो भाई पूरा स्कैम हो गया मेरे साथ। लेकिन एक मिनट, डैश कहाँ है? अरे ऊपर आओ यार जल्दी, पूरे ग्रीमेंस मर चुके हैं वो भी मर रहे बेचारे यार। कुछ लोग अटक गए थे यहाँ पे ग्रीमेंस, और वो सब शायद मर चुके हैं यार। एक मिनट, मैं ऊपर आके देखता हूँ ऊपर क्या हालत चालू है यार। ये देखो भाई, ये जगह ऐसा लग रहा है ये क्या है? तो पहाड़ हुआ करता था और एक कैसल भाई, थोड़े बहुत बचे भाई। लेकिन ये लोग भी उसके रेडिएशन से मरने वाले हैं, क्योंकि वो देखो यार वहाँ पे रुक चुका है, वो पागल हो चुका है भाई, डर गया है। और एक मिनट भाई, मेयर ने इतना अच्छा चीज हमको दे दिया यार। मेयर ही सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है वैसे तो। और एक मिनट भाई, पूरे पैसे वैसे ही बच चुके हमारे। और तुमने भी गोल्ड के ब्लॉक उठाए थे ना भाई? पूरा डायमंड उठा लिया था, गोल्ड तो उठा भाई। अरे यार मैंने भी डायमंड लाया, तो किसी ने गोल्ड नहीं लाया, जान दो यार, हमको चाहिए भी नहीं। तो यार ये तो बहुत ज्यादा सही बात है, और हम लोग आखिरकार एग्रीमेंट से जीत चुके हैं। तो जल्दी से तुम लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना यार, क्योंकि अब वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है कुछ दिन के लिए। तो चलो बाय।